मेरा नाम त्सेरिंग वांगदू है। मैं ले लद्दाख का गांव नेमू गांव में मैं पैदा हुआ है। तो मैं नेमू गांव में पैदा होकर हमारे वहाँ छोटा सा स्कूल है प्राइमरी तक, वहाँ प्राइमरी पास करके फिर मैं इतना आगे नहीं पढ़ा, मिडिल ही पास करके उसके बाद मैं आर्ट में यानी पेंटिंग सिखाने के लिए पेंटिंग में आया था। तो उस वक़्त मेरा गुरुजी तिब्बत को फता हुए थे, फिर तिब्बत से इंडिया आया, तो मैं गुरुजी से पेंटिंग सीखा था। तो उसके बाद गुरुजी के साथ मैं 3 साल दिन रात यानी उसके साथ बैठकर सीखा। तो उसके बाद उस वक़्त मैं शायद 16-17 साल के थे। मैं 12 से तो मैं पेंटिंग में लग गया, 12-13 से मैं पेंटिंग में लग गया था। तो उसके बाद गुरुजी के साथ 3 साल रहा। तो 3 साल के बाद गुरुजी और मैं अलग हुआ। गुरुजी तो तिब्बतन है, वहाँ ले गया इंडिया में। तब मैं यहाँ ले में बैठकर पहले मैं अपना गुम्पाओं में थोड़ा बहुत काम किया था। तो उसके बाद 1975 में यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हैंडीक्राफ्ट खुला। तो उसमें मुझे मौका मिला कि बच्चों को सिखाने के, वहाँ मुझे इंस्ट्रक्टर का पाथ मिला था। तो उस वक़्त वहाँ मैंने 75 से 84 तक हैंडीक्राफ्ट में मैं बच्चों को सिखाया था पेंटिंग। तो 84 के बाद मैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट बुद्धिस्ट स्टडीज से वहाँ इंटरव्यू हुआ, तो मैं उसमें सेलेक्ट हुआ। तो उससे मैं 2008 तक सेंट्रल इंस्टीट्यूट में बच्चों को यानी पेंटिंग सिखाया। थंका पेंटिंग तो मैं जो 8वीं पास किया तो उसके बाद सिखाया। अच्छा। हाँ जी, थंका पेंटिंग जो तो बुद्धा के ज़माने से शुरू हुआ, उससे पहले भी होगा। थंका पेंटिंग जो है, पेंटिंग तो यही वॉल पेंटिंग, थंका पेंटिंग यानी लकड़ी पर बनता, सबको पेंटिंग बोलते हैं। थंका पेंटिंग होते तो कपड़े जो पेपर के तरह बनाना होता है ना, कपड़े लट्ठा जो, तो उसको लिखते हैं ना, पर उसको थंका पेंटिंग बोलता है। दीवार पर तो डिपडिस बोलता है, डिपडिस बोलता है। अभी इसको मैं लद्दाख की भाषा में डिपडिस बोलता है। थंका जो कपड़े पर लिखते हैं ना जी, उसको थंका बोलता है। उस कपड़े पर लिख कर उसको फ्रेम लगता है तो उसको थंका बोलता है। कपड़ा वो फ्रेम जो करता है उसको सिल्क को करते हैं। और वो मैं लिखते हैं ना थंका, वो कॉटन पर लिखते हैं, लट्ठा होते हैं ना कॉटन, अच्छा सा कॉटन, वही पर लिखते हैं, उसको पेपर की तरह बना के फिर उस पर लिखते हैं। बुद्धिज़्म के ऊपर होता है, बुद्धा के बगैर भी होता है, लामाओं के ऊपर होता है, और ये होता है ना हमारा क्या बोलता है, सुम्मा यानी द्विता होता है ना, द्विता के बारे में होता है। पहले ज़माने में तो स्ट्रॉन्ग कलर के होते हैं। तो पहले जो यहाँ हमारे लद्दाख में आलची गुम्पा है, आलची छस्कोर बोलते हैं, आलची छस्कोर में है ना जी, वहीं के पेंटिंग कलर सब तो स्ट्रॉन्ग कलर है। तो कहीं से भी नहीं लाया, लद्दाख से ही ढूंढ के बना हुआ है। जो यहाँ अभी भी है, मेहनत करें तो अभी रेडीमेड बाज़ार से मिल जाते हैं, तो मेहनत करने वाला नहीं है। तो ऐसे वैसे तो पहले ज़माने में हमारे लद्दाख में भी स्ट्रॉन्ग कलर का यूज़ करते थे। तो उसके बाद तिब्बत से भी लाया है, आजकल आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पीछे है ना, ये सब तिब्बत से लाया हुआ स्ट्रॉन्ग कलर को बना हुआ है। तो आजकल बहुत मुश्किल है ये पहाड़ों से ढूंढना और उसको कूदना, उसको पीसना, वो अभी इतना मुश्किल कम करने वाला नहीं है। वजह क्या है, आजकल बाज़ार से रेडीमेड मिल जाते हैं, तो इस वजह से यही नहीं होते हैं। ये स्टोन कलर जो है
धूप और हवा लग जाए तो ज़्यादा उसका शो निकलता है, ज़्यादा उसका शाइनिंग निकलता है। अभी ये केमिकल कलर में हवा और धूप लग जाए तो वो बिगड़ जाते हैं। हाँ जी, तो ये स्टोन कलर को ये पानी से बचाना पड़ते हैं, पानी से बचे तो उसको कोई डर नहीं। हाँ, ये फर्क होते हैं। और पत्थर और वेजिटेबल कलर भी होते हैं ना, पहले ज़माने में वेजिटेबल कलर घास का वो भी होते हैं मिक्स पूरा पहले ज़माने में। अभी इसको मैंने करने वाला नहीं है, मुझे मेरे गुरुजी के साथ में इसका प्रैक्टिकल है, मैं गुरुजी के साथ सिखाता पहले जी, अभी इसका यूज़ नहीं करते। हाँ, अभी हमें ये रिपेयर कर रहा है बॉर्डर, उसको तो अभी स्ट्रॉन्ग कलर कहाँ मिलेंगे। तो एक दो कलर यहाँ मिलता है, मिसाल के तौर पर लाल मिलता है, पीला मिलता है, वही तो अभी भी हमें यूज़ करता है, और सफ़ेद मिलता है यहाँ लद्दाख में, वही यूज़ करता है। उसके बाद तो केमिकल है। ये बुद्धा के जन्म के बारे में ये सामने है, देख रहे हैं ना आप, ये तो बुद्धा के जन्म है। हाँ, पूरा के है, पूरा बुद्धा के जो पूरा साइकिल है उनके जीवन। हाँ, जीवन पूरा है उन क्या बोलते हैं मरने तक। मिसाल के तौर पर यहाँ बुद्धा जी पैदा हुआ है, तो उसके बाद उसने उसकी ज़िंदगी में क्या क्या काम किए, क्या क्या इसमें लिखा है। हाँ, मेरा स्पेशलिस्ट जो थंका पेंटिंग है, वरना तो मैं केला भी करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत वुड कर्विंग भी करता हूँ, सब कुछ जानते हैं, मगर मेरा स्पेशल जो थंका पेंटिंग है। थंका पेंटिंग जो थंका छोटे छोटे बड़े बड़े तो बहुत बना हुआ, मैं कोई गिनती में नहीं है। मैंने एक गोंपा पिटू गोंपा आपको मैं मिसाल रखेंगे, वहाँ मेरा 500 करीब के थंका होगा, वहाँ मेरे थंका पेंटिंग छोटे छोटे बड़े बड़े सब इनका। और ऑयल पेंटिंग जो है मेरे यहाँ लद्दाख में नया गोंपा है, उस सब में मेरा पेंटिंग है नया गोंपाओं में। मैं लद्दाख के बाहर भी किया, मेरा थंका जो तो बाहर मुल्क में बहुत गया है, तो मैं खुद ही नेपाल गया, नेपाल जाकर मैं बुद्धा का चीज़ होना जज्ञा जता गाता, बुद्धा का जता गाता होता है ना, वो 100 जन्म का, 100 जन्म का वो लिखा है नेपाल में, बड़े जैसे गोंपा में इससे बड़ा गोंपा है। हाँ, वहाँ मैं नेपाल में लिखा है, और दूसरे यानी बाहर मुल्क में तो मैंने किया, मेरा थंका तो बहुत किया जगह जगह पर। हाँ जी, नेशनल अवार्ड 1977 में मिला था, पद्मश्री 1999 में मिला था, और एक कैमलिन अवार्ड मिला है, वो स्टेट गवर्नमेंट का है, वो 93 में मिला था। अभी बहुत ज़्यादा आदमी मेरा स्टूडेंट है, आप सोचिए तो छोटे मोटे काम यानी आपने रोजी रोटी कमाने वाला तो 100 के करीब है, और 30-40 अच्छा थंका पेंटिंग बन रहा है मेरे स्टूडेंट जो। इसी तरह मेरे बगैर भी गुरुजी है ना, उनके हिसाब से पहले से अभी आर्ट के बारे में बहुत तरक्की हुआ है। थंका के लिए सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है, बच्चों के लिए सीखने के लिए सपोर्ट करेगा बोलता है, मगर मुझे अभी 32 साल तो मैं बच्चों को सिखाया, तो अभी मैं यहाँ घूम पाऊँ, मैं ज़रा ये पेंटिंग खराब हुआ वो सब करने की मेरा इच्छा है, तो यही करने के लिए मैं कोई ऐसे नहीं लिया था।